कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे पिछले वीडियो में काफी लोगों के कमेंट्स आए जो मैंने रीड किए। काफी लोग थे जो नंबर मांग रहे थे। मैं उन अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देखो फेसबुक का लिंक दे देता हूँ, तो उस पर आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, उस पर हमारी बात हो जाएगी इजीली। क्योंकि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं, नंबर इतना मतलब देना और इतने को रिप्लाई देना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे खुद को भी एक्सरसाइज करनी होती है, तो टाइम का इश्यू। तो प्लीज़ आप मुझे अपने फेसबुक आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए और उस पर अपन बात, आपके जो भी डाउट होंगे वो आप जितना मुझे नॉलेज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और जहाँ मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके आपके साथ शेयर करूंगा। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो आप अकेले सेल्फ, किसी का भी कोई आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। बस आपको कुछ अपने रूम में कुछ सेटअप ऐसा लगाना है जिसमें आप अकेले खुद कर सको एक्सरसाइज, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक्सरसाइज, आपको इस तरीके से अपना पैर इसमें डाल के ऐसे ये जितना आपसे हो सके उतना आपको ये करना है, और जब ये ऐसे होने लग जाए फिर आप होल्डिंग स्टार्ट कर दो ऊपर के होल्डर को, जितनी देर आप होल्ड रख सको इसको। और एक ये लेफ्ट राइट भी इसकी थाई की, ये थाई की कुछ एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। आपको इस तरह से अपने रूम में कुछ बांध के ऐसा रखना है जिसमें आपको ये इलास्टिक ये ऐसे दो लटका के और एक ऐसा गोला करके ताकि इसके अंदर आपका पैर आ सके। ये था है कि कुछ एक्सरसाइज, स्टार्टिंग में आपसे इसे होल्ड नहीं होगा, जितना आपसे धीरे धीरे जितना हो सके उतना करना है। फिर जब होने लग जाए फिर तेज तेज अप एंड डाउन करना है। और फ्रेंड्स अगर हो सके मार्केट से आप एक एलएस बेल्ट ऐसा परचेज कर लें ताकि आप जो भी एक्सरसाइज करें एलएस बेल्ट कमर के बांध के फिर ही करें। और अगर ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इस तरह ऐसे ही। दोनों पैरों की करनी है, इस पैर की भी इस तरह से ही करनी है फ्रेंड्स। ऐसे इसको थोड़ा दूर करके इसमें आपको ऐसे अपना पैर डालना है और ये करना है लेफ्ट राइट। तब ये लेफ्ट राइट आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे होगा और फिर धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इतना इजीली आप कर पाओगे। और जब ये ऐसे होने लग जाए फिर आपको इसमें भी होल्डिंग स्टार्ट करनी है, उधर जाके रोकना है ताकि ये जो इस साइड वाली जो मसल्स होती है ये स्ट्रोंग होती है। और फिर ऐसे ही इस साइड ले जाके होल्ड रखना है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ले जाके होल्ड रखना है जितना आप रख सको ऐसे। और एक एक्सरसाइज और मैं बताता हूँ आपको, ये इसको थोड़ा इधर करके ये वाला अपने घुटने के नीचे रखना है और ये थोड़ा पैर के नीचे, फिर पैर को यूं अंदर की तरफ दबाना है ये इस तरह से। ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स आपको दोनों पैरों की करनी है, जैसे मैं इस पैर की बता रहा हूँ वैसे ही इस पैर की आपको करनी है। और काउंटिंग से करना है, जितना आप इस पैर की जैसे 50-50 कर रहे हो कोई भी एक्सरसाइज, वो इस पैर की भी 50 ही करनी है, दोनों पैरों की इक्वल करनी है। इससे आपको दोनों में मतलब इम्प्रूवमेंट बराबर लगेगा, नहीं तो बाद में फ्यूचर में ऐसा होगा कि मतलब एक पैर में आपको लगेगा कि यार ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये थोड़ा इस चीज़ में कम है। आपको दोनों पैरों की इस तरह से करनी है। छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको इस पैर में जैसे इसको सीधा रख के इसमें एक में इसको आगे तक ले जाके वहां तक बांध के और घुटने को आपको इस तरह से अप एंड डाउन ये भी कम से कम 100 टाइम आपको करना है घुटने को, घुटने की जो और लेफ्ट राइट भी करना है इस तरह से अप एंड डाउन जितनी बार कर सको। 50 बार जैसे अप एंड डाउन कर लिया और तो 50 बार ही लेफ्ट एंड राइट करना है। ये भी इस पैर की दोनों पैरों की सब एक्सरसाइज इक्वल ही करनी है इस तरह से। और अगर आपके पैर में थोड़ा सेंसेशन नहीं है, सुन्नापन है, तो आप इस तरह से मतलब ये देखिए थोड़ा इस तरह से आप
कुछ भी कर सकते हैं, घुटने के नीचे एक्सरसाइज है बेसिक जो मैं करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो एक बार उनसे वही एडवाइस ले लें, और क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ अभी भी कंटिन्यू, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपको ठकने वाली इस तरीके से आपको मारना अपने फेस पे, इस तरह से आपको इस तरीके से अपना पैर इसमें डाल के और अपनी जो स्टिक है उससे आपको ये एंकल की स्ट्रेंथ इस तरीके से आपको करना है। ये भी दिन में आपको 200-300 जितना आपसे हो सके, कम से कम 200 तो आपको करना ही है इस तरह से। इससे जो ये वाली मसल्स आपको दिख रही होगी ये स्ट्रांग होगी, जो कि आपकी स्टैंडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी, और इससे एंकल जो ये ड्रॉप रहता है इस पर भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है दोनों पैरों की। आपने देखा आज मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई है, जो आप कीजिए उससे भी आपके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड सेकंड थिंग ये कि काफ़ी लोग थे जो मतलब कह रहे हम 3 साल से हमारा यही हाल है, कोई कह रहे भैया अब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, 19 महीने हो गए, 20 महीने हो गए, मतलब वो टाइम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मेरा ये कहना है फ्रेंड्स, इस चीज़ का रिकवरी का टाइम, हाँ डॉक्टर्स कहते हैं स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें आपकी रिकवरी फास्ट होती है, फिर कहते हैं 2 साल तक आपकी रिकवरी होती है और उसके बाद बहुत ही स्लो हो जाती है। उनका कहने का मतलब उनका एक्चुअल मेन ये है कि स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं जिसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, अगर उसमें आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, भले आप दिन में 2 घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी रिकवरी अच्छी आएगी। फिर 6 महीने के बाद आप अगर 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी रिकवरी कम होगी, बहुत कम होगी। मेरा कहने का मतलब है 6 महीने तक जो रिकवरी आपने 2 घंटे एक्सरसाइज करके जो रिकवरी आपके आई है, आप 6 महीने के बाद उस टाइम पीरियड को भी आपको बढ़ाना होगा। आप अगर 2 घंटे पहले कर रहे थे तो कम से कम आपको 4 घंटे एक्सरसाइज करनी होगी, तब जाके वो 2 साल में जो रिकवरी जो 6 महीने में आ रही थी वो रिकवरी 2 साल तक आएगी। उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत कम चांस होते हैं रिकवरी के, बट मेरा कहना ये है, और काफ़ी लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जैसे निखिल आनंद है, उनको आज 3-3.5 साल हो चुके हैं लगभग, उनकी अभी भी रिकवरी आ रही है। उन्होंने क्या किया, एक्चुअल में अपना टाइम पीरियड बढ़ाया है, 6 महीने तक उन्होंने जो 4 घंटे एक्सरसाइज 3 घंटे करते थे वो 12 महीने बाद या कह दो साल भर बाद उन्होंने 8 घंटे 9 घंटे। वही फ्रेंड्स आपको करना होता है, स्टार्टिंग में कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी रहती है जिसमें आप 2 घंटे लगभग एक्सरसाइज कर पाते हैं, और बाद में जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे आप सिटिंग कर लेते हो तो और भी एक्सरसाइज आपको टाइम बढ़ाना होता है। रिकवरी का कोई टाइम नहीं होता फ्रेंड्स, आज अगर आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपके अंदर कोई रिकवरी नहीं आई है, अगर आज भी आप लगन से मेहनत से और कुछ ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करोगे तो आई स्वेयर आपकी रिकवरी पॉसिबल है। अगर आप खुद ही अंदर से टूट जाओगे और बेड पे रहोगे, आपको हर चीज़ बेड पे अगर मिलेगी तो आप फ्रेंड्स कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये रिकवरी का कोई टाइम नहीं होता, बस आपको अपनी मेहनत करनी होती है, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होता है, और कुछ एक्सरसाइज होती है जो अच्छे से करनी होती है। तो बस आज का ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इतना ही था, और हाँ वीडियो पर मेरे व्यूवर्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया में काफ़ी लोग हैं, हमारे देश में हर कोने में अलग अलग जगह पर इतने लोग हैं इस बीमारी के, जो लोग बस कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और आज वो बेड पे ही हैं, और बेड पे लेटे लेटे उनके बेड सोर भी हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो आप अगर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर एक बार सलाम मशवरा करके उनसे बात करके करें, और अगर ना ले रहे हैं, और हाँ जिनके पैरों में टाइटनेस है वो इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें स्लोली, वैसे होगी भी नहीं उनसे इतनी फास्ट, मेरे जैसे पैर में टाइटनेस नहीं है, मतलब लूज है एकदम। तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए, और जो मैंने आपको बताया आप अपने रूम में सेटअप ऐसा लगा लीजिए, और ज़्यादा इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, बस एक इलास्टिक आपको मार्केट से लाना जो 20-40 रुपए का मिल जाएगा आपको इजीली, तो आप ये तैयार करके आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपके जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मुझसे अगर आपको बात करनी हो तो मैं अपना फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं।
और जो डाउट होंगे आपके, जितना मुझे नॉलेज होगा उतना मैं आपको बताऊंगा। और आगे कुछ मैं अपने फिजियोथेरेपी से भी बात करके आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।